Good morning to all of you. Myself Virendra Singh Pawar, and today's topic is introduction to the internet. And this is online classes for a student on the behalf of Java Public School Java. Then now today we are starting information technology class 10 topic internet. आज आप लोग जानते हैं कि internet के बिना कुछ भी possible नहीं. हर छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं. इंटरनेट मतलब आज से कुछ सालों पहले तक इंसानों ने सोचा नहीं होगा कि हम सारे काम घर बैठे कर पाएंगे, और जो भी चीजें होंगी जो मतलब एक ऐसा लगता था, होबा लगता था हमें, वो मतलब आज हमारे सामने है. तो बड़ा लगता है कि क्या ये चीजें हमें किस लेवल पे ले जाएंगी. और इंटरनेट तो आज के टाइम का बहुत ही खास जो भी टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी इंटरनेट से जुड़ी हुई है. इंटरनेट इस कड़ी में सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट. द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन अ लेयर्ड एंड टू एंड मॉडल दैट अलाउ पीपल एट द ईच लेवल ऑफ द नेटवर्क इज इनोवेटिव एंड सेंट्रल कंट्रोल. इंटरनेट का फुल फॉर्म थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंटरनेशनल नेटवर्क, जहां पर एक से ज्यादा सिस्टम जुड़कर किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं. मतलब अगर जैसे हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग इंफॉर्मेशन कहां से एक्सेस करते हैं, वो हमें मिलती है इंटरनेट के थ्रू. चलिए अब इसका आप देखते हैं कि यहाँ जो है फादर ऑफ इंटरनेट हमारे कौन है, विंटन सर, ये फादर ऑफ इंटरनेट है. आगे बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन में. आप देख लीजिएगा आप सामने इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट में इंट्रोडक्शन क्या इंट्रोडक्शन दिया था. इंटरनेट इज ऑलवेज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, हजार नेटवर्क्स का नेट. मतलब ये जो है इंटरनेट अपने आप में इतनी वास्ट प्रोसेस है और इतनी वास्ट टर्मिनोलॉजी है कि हम इसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. चलिए इंटरनेट इनेबल अस टू इंटरनेट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करने का जरिया है. और इंटरनेट अलाउड द इंटरेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, जहां पर बहुत सारे सिस्टम बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. देखिए इंटरनेट का एक दूसरा कोई बड़ा भारी काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें अगला दिया है इंट्रोडक्शन में, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स वर्ल्ड के इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर बैठे बैठे लोग एक से दूसरे जगह पर बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन टू ऑफिस ऑफ एन एमएनसी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी है वो सब इंटरनेट का यूज करती है, इवन हमारा स्कूल. चलिए हम लोग भी इंटरनेट के जरिए आज जितने भी काम कर रहे हैं सब घर बैठे कर रहे हैं, सब इंटरनेट के थ्रू है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसकी हिस्ट्री है कि 1969 में अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी स्टार्टेड अ नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड द अर्पानेट. मतलब सबसे पहले अमेरिकन जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाला उसने स्टार्टअप किया था 1969 में एडवांस रिसर्च रूरल एजेंसी नेटवर्क विच वन कंप्यूटर इन कैलिफोर्निया एंड थ्री इन का. मतलब एक कंप्यूटर का अलग अलग कैलिफोर्निया में और अगले तीन का हुए थे उठा के अंदर. ये सबसे पहला इंटरनेट था, सबसे पहला इंटरनेट. आगे बढ़ते हैं. चलिए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में दिया है टर्म इंटरनेट वाज फाइनली कॉइंड इन 1995 में सबसे पहली बार इसको इंटरनेट के नाम से जाना गया बाय द एफएनसी, मतलब फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल यूएसए ने इसको इंटरनेट बताया. नेक्स्ट हाउ इंटरनेट फंक्शनिंग, काम कैसे करता है, काम शानदार काम करता है, सब लोग जानते हैं लोग कैसे कैसे काम करता है. द फंक्शन ऑफ द इंटरनेट इज मैनेज बाय द ग्रुप ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, दिस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉर्म द इंटरनेट सोसाइटी, द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड द रूल नोन एज द प्रोटोकॉल. हां सबसे खास बात जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये जो रूल डिसाइड करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल. अगर प्रोटोकॉल व्यवस्थित नहीं है तो हमारा इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं करता. जैसे हम लोग बोलते थे सर्वर डाउन है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हाउ इंटरनेट फंक्शन, इन ऑर्डर टू वर्क विद द इंटरनेट वी नीड टू नो सर्टेन रिलेटेड टर्म्स लाइक www, वेब ब्राउजर्स, वेब पेजेस एंड वेबसाइट। हम इंटरनेट पे काम करना तो स्टार्ट करते थे लेकिन हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज नहीं पता। बहुत प्यारी टर्मिनोलॉजीज है यहां पे। देखिए आप लोग कि यहां पर जो टर्मिनोलॉजीज है वो कौन कौन सी है। पहली टर्मिनोलॉजी www क्या होता है नहीं मालूम, वेब ब्राउजर क्या होता है नहीं मालूम, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है देखते हैं हम लोग। इसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक पेजेस सीन ऑन द इंटरनेट नोन एज द वेब पेजेस। वेब पेजेस का मतलब जो भी आपको आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इंटरनेट के चलने पर जो भी आपको दिखता है वो सब वेब पेजेस कहलाते हैं। वेब पेजेस के कनेक्शन से वेब साइट बनती है। तो वेब साइट इट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। हाउ इंटरनेट फंक्शन, इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट सिंपल है, इंटरनेट में क्या मेनी वेब पेजेस लिंक विद द ईच अदर कंबाइन टू फॉर्म अ वेबसाइट। तो बहुत सारे मैंने भी आपको ये बताया बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर क्या बनते हैं वेबसाइट बनती है। वेबसाइट जिसको आप चलाते हैं, जैसे आपको फेसबुक चलाना है तो फेसबुक चलाने के लिए आपको लोग क्या करते हैं www.facebook.com। तो ये एक आपका एड्रेस है और इस एड्रेस से आपका क्या ओपन हुआ फेसबुक का पेज। और फेसबुक का पेज आपके लिए क्या वेब पेज। इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट में वेब ब्राउजर्स क्या है। वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर आप लोगों ने बहुत बारीकी से इन चीजों को मैंने तो ऑब्जर्व किया है। तो इसमें क्या होगा, टू व्यू अ वेब पेज वी नीड अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। अरे हमें इंटरनेट चलाना है तो हमें किसी एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत होती है, नीड होगी। तो हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं और आपके सामने बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं। ये सारे वेब ब्राउजर्स आपके ज्यादातर आप चलाते हैं गूगल क्रोम में, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, और ये बहुत सारे। तो सम कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स आर नेटस्केप, नेविगेटर, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, MSI मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सब ये इतने सारे वेब ब्राउजर्स। अब ये वेब ब्राउजर्स एक सॉफ्टवेयर है। अब वेब ब्राउजर्स के बाद हम आगे चलते हैं। वेब ब्राउजर मोज़िला फायरफॉक्स ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ओपन सोर्स मतलब इजीली फ्रीली अवेलेबल है। अगला क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डज नॉट रिक्वायर एनी लाइसेंस। भी इनमें ओपन सोर्स में कोई लाइसेंस भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है www वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी अभी थोड़ी देर में मैंने पहले बोला था कि www होता क्या है, www होता क्या है, तो हम इसको W3C के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब की ज्यादा नोन है W3। W3 अलाउज कंसोलिडेटेड ऑफ एवरी मल्टीमीडिया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक सब्जेक्ट के लिए। तो www अलाउ क्या करता है, हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर डाटा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, तो www वाज स्टार्टेड इन 1989 एट सर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। वहां पर हम लोगों को ये www स्टार्ट हुआ। अब द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको कोई चीज ढूंढनी है तो आपको उसका एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस कहां से मिलेगा, हम उसको एड्रेस बार में लिखेंगे। एड्रेस बार में हम लिखते हैं द एड्रेस ऑफ द वेब पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट इज नोन एज URL। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई चीज सर्च करनी होती है तो सर्च करने वाली चीज को हम इस URL के अंदर टाइप करते हैं http://www। यू नो वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये क्या होता है, इसके अंदर होता है सर्वर का टाइप, होस्ट नेम, फोल्डर का नाम, फाइल का नाम। ये इतनी बड़ी जो आपके सामने जो लिखा आता है एड्रेस बार में वो पूरा पूरा URL कहलाता है। और इस URL के अंदर जो है HTTP hypertext transfer protocol www वर्ल्ड वाइड वेब, फिर उसके बाद पर्टिकुलर पेज का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इस तरह से पूरा पूरा फोल्डर डायरेक्टरी के नाम से पूरा पूरा इसका जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दैट परमिशन ऑन सर्वर, फिर उसके बाद यहां पे डायरेक्टरी का नेम है, फिर उसके बाद सर्वर का नेम है, और ये नेम ऑफ द पेज है।
प्रिंसिपली नेटवर्क और सर्वर से बेस्ड है, ठीक है। तो अपन इसको आगे जाते हैं थोड़ा सा, और ये यूनिकॉर्म रिसोर्स लोकेटर में ये जहां आता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बता रहा हूं सर रेगुलेशन, फिर ये आ गया आपका एड्रेस ऑफ द होस्ट कंप्यूटर, फिर ये आया पाथ और ये है फाइल। ये ओवरऑल पिछले वाले पेज का थोड़ा सा अच्छा डिस्क्रिप्शन यहां दिया है। द फोल्डर नेम इंडिकेटर है जहां पर फाइल पड़ी है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपका कोई सामान है जो आपके घर में नहीं रखा हुआ है तो वो आपको पर्टिकुलर एड्रेस हुआ कि उस अलमारी में उस जगह पड़ा हुआ है, तो वैसे कि दुनिया में किस कोने में किस कंप्यूटर के अंदर कौन सा डाटा पड़ा हुआ ये सब इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट से, कनेक्ट कैसे होते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास कोई सी भी सिम होती है या किसी भी जो कंपनी होती है उस कंपनी से रिलेटेड जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं वो आपको इंटरनेट का कनेक्शन दे देते हैं। एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, आजकल जियो के दमन चल रही है। चलिए इन ऑर्डर टू कनेक्ट वी नीड अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा मॉडेम, लेकिन मोबाइल में तो मॉडेम इनबिल्ट होता है ना, व्हिच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। वो क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आते हैं डिवाइस कॉल्ड रूटर, ये एक तरह से रूटर होता है जो आपने सिंपल घरों में देखा होगा। क्या करता है, वी कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू कंसर्न द डिफरेंट नेटवर्क्स, और अलग अलग देयर आर सेवरल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मैंने पहले बताया था कि आप BSNL है, BSNL Airtel है, Reliance है, बहुत सारे, ठीक है, जिनमें से आप किसी एक को चूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये डायल अप कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया कि डायल अप कनेक्शन क्या होता है। वी कैन गेट कनेक्टेड टू द Yeah।